काफ़ी बंदों को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ। ये हमारा जीमेल आईडी आप यहाँ पर देख सकते हो, हम इसमें दिखाते हैं, इस जीमेल आईडी में आपको बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर फिर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टार्ट फ्री। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जीमेल आईडी को सेट कर लेते हैं। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर खुल जाएगा जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट बेनिफिट के लिए $100 पाने के लिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, जीमेल आईडी, यानी कि हम जीमेल आईडी से बना रहे हैं। और जीमेल आईडी को पहले हम ईडीओ मेल में कन्वर्ट किए हैं ताकि ये मेल एजुकेशन मेल के जैसा हो जाए। ये ईमेल आईडी एजुकेशन मेल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है और वही चीज़ हमने अपने पेड कोर्स में सिखाया है। और काफ़ी लोगों को यकीन भी नहीं होगा इस चीज़ को देखकर अभी मैं जो यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये वाला जीमेल आईडी जो है मैं यहाँ पर शो करता हूँ। यहाँ पर जाते हैं, जीमेल में जाते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ चुका है मेरा जीमेल आईडी। यह जीमेल आईडी है और यहाँ पर भी यही जीमेल आईडी है। इसके बाद यहाँ पर हम अपना कंट्री कोड सेट करते हैं, कौन सा है, इंडिया। अपने हिसाब से कंट्री को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे आई तो यहाँ पर आ जाएगा इंडिया का कंट्री कोड, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। अगर आप किसी अदर कंट्री से हो जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो आप यहाँ पर अपने कंट्री कोड को चूज़ करेंगे ताकि आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सको। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है टेक्स्ट मी या कॉल मी। अगर आप टेक्स्ट मी में क्लिक करोगे तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए OTP आएगा। अगर आप कॉल मी में क्लिक करोगे तो कॉल के जरिए आपको OTP बताया जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर इसको सेट करते हैं टेक्स्ट मी में, ये सबसे बेस्ट है। फिर हमें यहाँ पर अपना कोड डालना है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वेरीफाई कोड। सारा कुछ आपके सामने हो रहा है, आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पे होगा कंफर्मिंग योर अकाउंट। जब आप यहाँ पर साइनअप कर लेंगे तो आप इस पेज में आ जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन जब अगर आप इसे ईडी मेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपके सामने कौन सा पेज आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा प्रोफाइल में। अब मैं आपको इस जीमेल आईडी में दिखाता हूँ जिसको हमने एजुकेशन ईमेल में कन्वर्ट नहीं किया है। ये हमारा जीमेल आईडी है जो कि लॉगिन है, और हम यहाँ पर सर्च किए हैं माइक्रोसॉफ्ट अजूर स्टूडेंट स्टार्ट ऑफर, और हमें यहाँ पर क्लिक करना है अजूर फॉर स्टूडेंट। तो आप देखना हम उसी पेज में आ चुके हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टार्ट फ्री, और यहाँ पर साइनअप होगा। फिर हम इस ईमेल को पिक कर लेते हैं और आप देखना क्या होगा, कुछ इस तरीके से हम इस पेज में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बाय फ़ोन करना है, यानी कि अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट मी, फिर हम यहाँ पर अपना OTP को एंटर करते हैं। OTP एंटर करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वेरीफाई कोड, और यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करते हैं तो देखना इस जीमेल आईडी के साथ क्या होगा। तो हम इस पेज में ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मांगेगा हमारा ईडीयू मेल या स्कूल मेल एड्रेस, सारा कुछ वेरीफाई करना होगा क्योंकि हमने इस जीमेल को एजुकेशन मेल में कन्वर्ट नहीं किया है। और वही चीज़ हमने अपने पेड कोर्स में सिखाया है, आपको नहीं लगेंगे ईडीयू मेल, नहीं लगेंगे क्रेडिट कार्ड, नहीं लगेंगे डेबिट कार्ड, कुछ नहीं, सिर्फ आप जीमेल आईडी से बना सकते हो अनलिमिटेड। आपको तो अब यकीन आ गया होगा ये जीमेल आईडी से नहीं बन रहा है, लेकिन वहाँ पर कैसे बन रहा है जीमेल आईडी से, यही चीज़ हमने सिखाया उस कोर्स में। अब जाते हैं वहाँ पर अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना पूरा इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम को यहाँ से हम कट कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर लास्ट टाइम टाइप कर देंगे, यानी कि उसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा जीमेल आईडी, जो ये वाला जीमेल आईडी है। फिर करते हैं नीचे स्लाइड। जिन बंदों ने कोर्स लिया है वो भी देख ले ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। साथ में जो लोग परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे आपको परचेस करना है या नहीं। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पर आप कोई सा ही मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो मोबाइल नंबर वेरीफाई किए हैं उसी मोबाइल नंबर को टाइप करना है। कोई भी मोबाइल नंबर टाइप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मोबाइल नंबर को ब्लर रख रहे हैं, सिक्योरिटी रीज़न के लिए बस। फिर इसके बाद हम यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम टाइप करेंगे और हम इसे ब्लर रखेंगे ताकि जिन बंदों ने कोर्स लिया है उनके साथ कोई धोखा ना हो। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम टाइप करने के बाद हमें यहाँ पर एड्रेस टाइप करना है। आप यहाँ पर एक ही एड्रेस टाइप करोगे, पैन कार्ड यहाँ पर ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ दोगे अगर इंडिया से हो तो। यहाँ पर हमें अपना सिर्फ एड्रेस टाइप करना है, आप चाहे तो इनको भी फिल कर सकते हो लेकिन बेटर एक ही है, आप एक ही एड्रेस को फिल करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, दोनों एड्रेस ऑप्शनल है, और यहाँ पर अपना सिटी का नेम टाइप कर देंगे। हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अपने एड्रेस को ब्लर कर रहे हैं बस सिक्योरिटी रीजन के लिए, और यह हमारा एड्रेस जो पेड कोर्स लिया है वहाँ पर भी ब्लर होगा। लेकिन आपको अपने एरिया का एड्रेस फिल करना है, ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर ब्लर है तो कुछ भी टाइप कर दिए। हमने यहाँ पर अपने आसपास का एड्रेस ही फिल किया है, यह चीज़ कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मामूली सा एड्रेस है।
फिर करेंगे नीचे स्लाइड, यहाँ पर चूज़ करेंगे अपना स्टेट, आपका स्टेट क्या है। जैसे कि मैं हूँ बिहार से, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा बिहार, और यहाँ पर अपना पोस्टल कोड टाइप करेंगे, यानी कि अपना पिन कोड टाइप करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें क्लिक करना है एग्री, इसे भी कर देंगे एग्री, और क्लिक करते हैं साइनअप, और आपको दिखाते हैं साइनअप हो रहा है या नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर हो जाओगे रिटायर्ड, और यहाँ पर वेट करना है अभी। तो कुछ इस तरीके से हम इस पेज में रिटायर्ड हो चुके हैं। यहाँ पर हो रहा है कन्फर्मिंग योर अकाउंट, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ सेकंड वेट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है सेटअप योर अकाउंट, और यहाँ पर हम हो चुके हैं रिडायरेक्ट। फिर एजुकेशन में आने के बाद यहाँ पर सारा कुछ आपके सामने खुल रहा है, $100 क्रेडिट 366 दिन, और ये एक्सपायर होगा 23 तारीख 10वां महीना 2024। मैं आपको आज का डेट दिखाता हूँ गूगल का, और यहाँ पर टाइप करते हैं गूगल में जाकर टुडे डेट एंड टुडे टाइम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी रात के बज रहे हैं 11:24, और आज का तारीख है 23 अक्टूबर 2023। इतना तो अब आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, हम एक जेन्युइन बंदा है जो आपको सही चीज़ सिखाने वाले हैं। मानता हूँ कि काफ़ी लोगों का पैसा डूबा है इस चीज़ में, लोग प्रोमिस करते हैं कोर्स देने का लेकिन उनका पैसा लेकर फ्रॉड हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, एक बार आपको वो चीज़ सिखाऊँगा आने वाले और भी कोर्स में, जिससे आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ईमेल में भी जाकर, यहाँ पे जाते हैं जीमेल में, यहाँ पे आ चुका है वेलकम टू Azure फॉर स्टूडेंट अकाउंट, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आ चुका है मेल 1 मिनट एगो, और अभी का टाइम है 11:24 PM, और आज का डेट भी देख सकते हो 23 अक्टूबर 2023। और यहाँ पर भी दिखाते हैं आपको, इसे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा टाइम है और कौन सा डेट है, और यहाँ पर भी वही होगा, इसे हम रिफ्रेश करते हैं। फिर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो हमें इतना टाइम पर हमें ये मेल रिसीव हुआ है, और ये आज ही का है, और ये वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, यानी कि जब आप देख रहे होगे वीडियो को तो वह तारीख होगा 24 अक्टूबर या फिर 25 अक्टूबर भी हो सकता है, अगर वीडियो को एडिट करने में लेट हो जाए तो, क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा हूँ। जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, और यहाँ पर क्लिक करते हैं होम में। अब मैं आपको यहाँ पर सर्च करके भी दिखाता हूँ, जैसे कि आपको चेक करना है कोई भी अगर आपको पैनल सेल करता है तो किस तरीके से आप चेक करना है। हम यहाँ पर टाइप करेंगे एजुकेशन, अगर वह स्टूडेंट वाला हुआ तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दिखाएगा क्रेडिट, साथ में यहाँ पर एक्सपायर डेट भी होगा, इसे आप नोटिस कर लीजिएगा जरूर। किस तरीके से आपको RDP डिप्लॉय करना है, इसके ऊपर हमने Part-1 में आपको सिखाया था किस तरीके से आपको एक RDP डिप्लॉय करना है, बस वो आपको हम सैंपल दिखाया है इससे RDP बनता है या नहीं। लेकिन हमने जो पेड कोर्स में सिखाया है वो 1 घंटे का जो है बहुत ही डिटेल से समझाया, उसमें किस तरीके से आपको RDP बनाना है, कौन सा बनाना है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। जिन लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमसे WhatsApp में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको कोर्स को बाय करना है तो आप कर सकते हो, बाकी आपका मर्जी। लेकिन आप अगर एक बार मुझ पर ट्रस्ट करेंगे तभी आप ये चीज़ कर सकते हो, नहीं तो भाई विदाउट ट्रस्ट कुछ भी नहीं होता। आजकल काफ़ी लोग बाय कर चुके हैं अभी तक, जिन लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है और जो बाय करने के लिए वेट कर रहे हैं, और जिनको हमने कहा था इस वीडियो को देखने के बाद ही बाय करना, वो लोग अब बाय कर सकते हो।